हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा. वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बानसूर. एंड लेट्स कंटिन्यू द अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर फोटोसिंथेसिस. ओके, बिफोर दैट और इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एंड इन दिस लेट्स स्टडी अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इज दैट क्लियर बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम. इट इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम. एज द डायग्राम शोन इन बिफोर यू, एज इट इज शोन इन द जेड फॉर्म, सो इट इज नोन एज जेड स्कीम. सो लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. वन थिंग इफ यू रिमाइंड, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली फोटोसिस्टम वन टेक पार्ट, वेर एज इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ सिस्टम पीएस वन एंड पीएस टू बोथ टेक पार्ट और बोथ कैन पार्टिसिपेटेड. ओके, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इफ यू रिमाइंड, आई एक्सप्लेन दैट फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज दे कम बैक टू द सेम फोटो सिस्टम. ओके, यानी फोटो सिस्टम वन से रिलीज हो रहे हैं, वहीं वापस आ रहे हैं. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं एंड दे रिटर्न बैक टू द फोटो सिस्टम वन. इज दैट क्लियर? हेंस इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक, बिकॉज जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं वापस नहीं जा रहे. That site is known as non-cyclic photophosphorylation. After that, what happened? In cyclic photophosphorylation, only formation of ATP takes place there. But in cyclic photophosphorylation, only formation of ATP takes place. But here, formation of NADPH plus H2 also takes place. So let's discuss about the non-cyclic photophosphorylation. As it is clear to you, that these are the energy molecules. Okay, they pass on to the S3 pigments of PS second, photosystem second, and it goes to the reaction center. So electron goes into the excited state. Okay, and first they accept by the primary electron acceptor, that is known as pheophyton. What is it? Is pheophyton. It is primary electron acceptor. अगर short में आपसे पूछा भी जाए कि कौन सा PS1 में और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो साइक्लिक में कौन है आयरन सल्फर प्रोटीन और नॉन साइक्लिक में कौन है फियोफाइटिन. देन इलेक्ट्रॉन पास टू द प्लास्टोक्विनोन एंड देन टू द साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ. अंडरस्टैंड? लेटर ऑन इट इज गोज टू द प्लास्टोसाइनिन एंड थ्रू द लीनियर पाथवे. ओके, इट इज एंटर इन टू द PS1. So here what happening between the plastoquinone and cytochrome B or F, formation of ATP takes place here. Is that clear? Did you remind? क्योंकि जो मिड वाले स्टेप्स हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे कि ATP की फॉर्मेशन कौन से पॉइंट पे खड़ा हो रही है. ओके, सो पिछले में आपको याद है साइटोक्रोम बी और एफ के बीच में हुई थी फॉर्मेशन, और यहाँ पे कहाँ हो रही है, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के बीच में. ओके, उसके बाद क्या हो गया, देखिए जो PS1 है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देन सेम प्रोसेस विल बी देयर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं आयरन सल्फर प्रोटीन को देन टू द फेरोडॉक्सिन. उसके बाद देखिए यहाँ पे बेटा वो एक और चीज एक्स्ट्रा जो एडिशन हो रही है वो ये है कि यहाँ पे फोटोलिसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है, वाटर स्प्लिट अप हो रहा है, जिससे एक मॉलिक्यूल वाटर का जब डिसोसिएट होता है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, जब वन वाटर डिसोसिएट हो रहा है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो रहा है तो टू इलेक्ट्रॉन और टू प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए हमने टू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया गया है. कुछ बुक्स में यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी दिखाया गया है. अगर फोर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के बजाय टू मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा. क्लियर है? तो देखिए उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, जब ये फेरोडॉक्सिन में पास ऑन होता है तो जो यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज किया गया है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू जो प्रोटॉन रिलीज किया गया है वो कहा जाएगा, एनएडीपी के साथ कंबाइन होगा, एनएच शुड बी रिड्यूस्ड टू द एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव. तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि उसमें सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी लेकिन यहाँ पे एनएडीपीएच की फॉर्मेशन भी हो रही है. ठीक है, आप इसको एनएडीपीएच2 या एच प्लस एच पॉजिटिव बोलिए. इज दैट क्लियर? बाकी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आगे सेम हो जाएगा फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम बी एफ में और यहाँ पे एंटर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ये था बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड यू कैन से दैट इट इज आल्सो नोन एज जेड स्कीम.
इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे कुल मिला के हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। और लाइट रिएक्शन में जो भी असिमिलेटेड एनर्जी या जो पावर जनरेट हुई है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में और एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव की फॉर्म में, उसको हम कहाँ यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। और डार्क रिएक्शन में फिर कौन सा स्टेप होगा हमारा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा स्टेप होगा?